हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवी रॉक सीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा जापानीज लीग फुटबॉल का, हिरोशिमा वर्सेस काशीवा के बीच 1:49 के बाद। मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि जापानीज लीग के अंदर काफ़ी जापान टीम के अंदर काफ़ी प्लेयर्स वहाँ पर गए हुए हैं जो कि अलग अलग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग में खेलते हैं, जिस कारण बड़े बड़े प्लेयर्स की अभी कोई भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिख रही। यहाँ पे सिर्फ खेलेंगे नॉर्मल प्लेयर्स जो कि एवरेज खेलते हैं। तो इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको लाइनअप के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो गाइज, और मिस मत करना ये वीडियो को। किसी चीज़ को हम यहाँ प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। बात करूं मैं इस मैच की, तो हिरोशिमा वर्सेस के मतलब REY, तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं गोल कीपर की, तो के सियंग ग्यू को मैं यहाँ ले रहा हूँ। चाहता तो मैं वाई ओसाका के साथ जा सकता था, बट मैं आज तक ये पॉइंट्स नहीं देखता ना सिलेक्शन देखता हूँ। आपको पॉइंट्स और सिलेक्शन नहीं देखना, आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना, और परफॉर्मेंस जिसकी आज है वो है के सियंग ग्यू। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर जिसका नाम है शुंकी ताकाहाशी। तो शुंकी ताकाहाशी ने पिछले मैच के अंदर एक ही असिस्ट की थी, बहुत बेचारा ना मुश्किल में था। एक्चुअली क्या हुआ कि दो गोल पहले ही ओपोनेंट ने कंसीडेड कर दिया, ओपोनेंट टीम ने, उसके बाद 78 मिनट खेला, क्लीन शीट का तो नामो निशान नहीं उठता, और बेचारे को ऊपर से मिल गया येलो कार्ड, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी यार, इसलिए बेचारा 20 पॉइंट पर अटका रह गया। एंड आज एच आर का ही बात करूँ तो यहाँ पे लूँगा हायातो आराकी। तो हायातो आराकी इज़ नॉर्मल प्लेयर, इन टीम्स का मैच अभी भी हुआ था 4 दिन पहले, वो शो नहीं कर रहा एक्चुअली, वो ड्रीम 11 में ऐड नहीं हुआ था, बट इनका मैच अभी भी 4 दिन पहले, इन दोनों का नहीं हुआ था, एक टीम का हुआ था जिसका नाम है अच्छाई आर। एंड आगे से बात करूँ वाई नोगामी की, तो युकी नोगामी को मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। युकी नोगामी एंड एस हिगाशी को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर एच आई आर की क्लीन शीट लगती है तो ये प्लेयर बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, टी आयोमा को लेने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो प्लेयर आप देख रहे हैं, पता नहीं लोग इसको वाइस कैप्टन क्यों रख रहे हैं, एक्चुअली मेरे को तो कोई राय नहीं लग रही, मैं आपको ऐसे राय नहीं दूंगा। नॉर्मल टीम में ले लो वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना वो एक नॉर्मल प्लेयर को वो गलत है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका मैं क्रिश्चियन हूँ, तो ये प्लेयर पिछले मैच के अंदर सिंगुलर गोल करके गया था, और लिटरली हैरान कर देने वाला गोल था वो, लेकिन वो मैच काफ़ी पुराना है, 29 मई का मैच था, जबकि मेरे को अभी तक याद है, वो मैंने कवर किया था क्योंकि जापानीज लीग के मैच थे उस दिन बहुत। तो मैं आगे से बात करूँ टी, यहाँ पे लूँगा टी मोरिशिमा को, तो टी मोरिशिमा कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, जिस कारण एक ही बड़ा प्लेयर है जो कि है टी मोरिशिमा। मैं बाकियों को नहीं कह रहा, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बात आती है यहाँ पे। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जिसका नाम है कीशिहाशी, तो कीशिहाशी इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, आप चाहे तो इसकी जगह एक डिफेंडर बढ़ा सकते हैं, ये उतना बेस्ट नहीं है, अगर आपको डिफेंडिंग पे भरोसा है देन यू कैन गो। बात करूँ स्ट्राइकर की, देन डी वीरा बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएगा अगर आज वाई आसानो ना खेला, क्योंकि वाई आसानो शायद ना खेले, उसकी जगह डी वीरा को जगह मिल सकती है। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, रॉड्रिगो एंगेलोटी, तो इसने उस मई के ये जो मैच हुआ था 29 मई को, उसके बाद 3 से 4 गोल कर चुका है ये। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन है टीम मोरिशिमा एंड वाइस कैप्टन वॉज डी वीरा। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।